एक खिलाड़ी होने के नाते एक प्लेयर होने के नाते एक खिलाड़ी महिला खिलाड़ी का मैं दर्द समझ सकता हूँ जो कल का दिन था वो आ, हिंदुस्तान के इतिहास में खेलों के स्पेसी जो आ, मैं एक शब्द यूज करूँ तो उसमें काला दिन है एक ओलंपिक मेडलिस्ट रिटायरमेंट ले लेता है कि उसको उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ उसके लिए उसने फाइट की उस फाइट में वो हार जाती है और उसको सरकार की तरफ से कहते कि उसको कोई न्याय नहीं मिलता और उसके बाद में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है तंग होके दुखी होके परेशान होके बस मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल हैं कि अगर ये आपकी किसी माँ बहन बेटी के साथ हुआ होता क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती इसको इस खेल कि जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई उसको कहा गया कि आप किसी कांग्रेस पार्टी से प्रेरित हैं उसको कहा गया कि आप ये तो जाटों का एक प्रोटेस्ट है तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए मैं गया वहाँ पहले दिन से उनके साथ था मैं अब भी साथ हूँ आगे भी साथ रहूँगा बिकॉज मुझे मालूम है कि खिलाड़ी की जो पीड़ा होती है वो इतनी आ, आसानी से नहीं जाती बिकॉज वो लड़ना लड़ाई चाहते हैं और लड़ना जानते हैं और मैं चाहूँगा कि उनके साथ न्याय हो और जितने भी लोग जितने आवाम है हिंदुस्तान की वो एक बार ज़रूर सोचे कि भैया इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे पास कहते कि गिने चुने मुट्ठी भर कहते कि हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर कितने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो जो आम जो जनता है आम जो नागरिक है उनके साथ क्या होगा एक बार सोचेगा जरूर इस बात को और बड़े दुख से उसने रिटायरमेंट लिया हमारे लिए भी बहुत मेरे को बहुत कहते हैं कि शौक लगा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था और विनेश फोगाट तो प्रधानमंत्री जी से पहले भी मिली थी उसकी पूरा परिवार मिला था कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं लेकिन फिर भी वहाँ से कोई उन्होंने न्याय नहीं मिला और एटलीस्ट उन्होंने अपनी एक रिटायरमेंट की घोषणा की तो भैया इससे खेल जगत बहुत दुखी है परेशान है और हम हर खिलाड़ी के पास जाएंगे, हर स्टेडियम में जाएंगे, हर अखाड़े में जाएंगे उनसे बात करेंगे कि भैया महिला सेफ्टी के ऊपर बात हो खिलाड़ियों की रोजगार पर बात हो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पहले भी खड़े थे अब भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे जय हिंद जय जा भारत